जिला मंडी के डहर में स्विंग वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा समस्तता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। इस सम्मेलन के बहाने रूप सिंह ठाकुर ने डहर में जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए रूप सिंह ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी जैसे साधारण परिवार का व्यक्ति ही देश के लोगों का दुख दर्द समझ सकता है। उन्होंने पूछा है कि कांग्रेस ये बताए आज तक उन्होंने किसकी गरीबी समाप्त की। कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ अपनी और अपने चहेतों की गरीबी समाप्त की। उन्होंने कहा कि मोदी उज्ज्वल योजना के तहत 5 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन देने की योजना बनाई गई है, जिसका 2.5 करोड़ लोगों को लाभ दिया जा चुका है। सुंदरनगर क्षेत्र के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि खुराहल व रोहाड़ा के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई स्कीमें बंद हैं। डहर में 12 करोड़ रुपए की स्कीम की पाइपें चोरी हो गई हैं। चुनाव की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जिसकी जीतने की क्षमता है उसी को पार्टी का टिकट मिलेगा। कि अगर गरीबी खत्म करने की तरफ कोई बड़ा है तो बड़ों बड़े हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। देश के अंदर बीपीएल परिवार, जो गरीब परिवार हैं, 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन्होंने एलपीजी गैस देने की बात कही है।